हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ सी, फीचर्स ऑफ सी, एडवांटेजेस ऑफ सी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है अल्गोल 16 लैंग्वेज से, जिसका फुल फॉर्म है अल्गोरिदमिक लैंग्वेज डेवलप्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1960। ये लैंग्वेज जो है 1960 में बनाई गई, इसी वजह से इसका नाम रखा गया अल्गोल 16। इट वॉज द फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट वॉज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड टू जनरल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, दैट्स वाई इट वॉज फेल। और जो नेक्स्ट लैंग्वेज बनाई गई उसका नाम है CPL। CPL का फुल फॉर्म है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Cambridge University in 1963. It was machine independent language, but it was too large, that's why it was also failed. और जो next language बनाई गई उसका नाम है DCPL. DCPL का full form है Basic Combined Programming Language, developed by Martin Richards at Cambridge University in 1967. It was created as a scaled down version of CPL. हमने देखा कि CPL लैंग्वेज जो फेल हुई उसका रीजन था CPL लैंग्वेज बहुत लार्ज थी। उस CPL लैंग्वेज के सारे फीचर्स को BCPL में रिटेन किया गया, बट इसकी साइज जो है कम की गई। और बट इट वॉज नॉट पावरफुल, सो इट वॉज फेल। और जो नेक्स्ट लैंग्वेज बनाई गई उसका नाम है बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज डेवलप बाय Ken Thompson at AT&T's Bell's Laboratory in 1970. It was machine-dependent language. B language जो है, इसका नाम B language इस वजह से रखा गया क्योंकि इस language को बनाने के लिए Ken Thompson ने DCPL language का ही basic foundation use किया था, इसी वजह से इसका नाम जो है B language रखा गया। But it was machine-dependent language, that's why it was also not longer used. उसके बाद जो केन थॉमसन के को वर्कर थे उन्होंने लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस रिचे एट AT&T's बेल्स लेबोरेटरी इन 1972। इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पहले असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखी गई थी, वही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्रोग्रामिंग आने के बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल जो है फिर से रीराइट किए गए सी लैंग्वेज में। और उसके बाद सी लैंग्वेज के बहुत सारे वर्जन आए, जैसे कि KNRC, डेनिस रिचे एंड ब्रेन कैर्निगन ने पब्लिश किया सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया C89 एंड C19। इट वाज द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर सी वाज डेवलप्ड बाय ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया सी लैंग्वेज का C99। इट वॉज द न्यू फीचर लाइक एडवांस डेटा टाइप्स। और उसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया C11, उसमें विथ न्यू फीचर्स लाइक मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। और उसके बाद रिसेंट जो वर्जन आया है वो है C18 विथ ओनली टेक्निकल करेक्शन। जैसे बहुत सारे सी लैंग्वेज के वर्जन डेवलप किए गए। उसके बाद हम देखेंगे वॉट इज सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। He is the general purpose and structured programming language developed by Dennis Ritchie, AT&T's Bell's Laboratory in the year 1972 in USA. ये जो है C programming की definition है। Next हम देखेंगे features of C language. First feature है C programming का, C is middle level language. C programming में higher level और lower level language इन दोनों के features को combine करके बनाया गया है। हायर लेवल लैंग्वेज जो यूजर को और प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होती है, और लोअर लेवल लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होती है। इन दोनों फीचर्स को कंबाइन करके सी लैंग्वेज बनाई गई, इस वजह से इसे मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज पोर्टेबल और मशीन इंडिपेंडेंट है। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है किसी एक मशीन पर लिखे हम उसे किसी दूसरे मशीन या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस फीचर को कहा जाता है पोर्टेबल। नेक्स्ट फीचर है ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के
ब्लॉक्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है रिकर्शन। द फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, इट्स कॉल्ड एज अ रिकर्शन। इस फीचर को सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है सी इज पावरफुल लैंग्वेज, बिकॉज सी लेवल लैंग्वेज में हम लोअर लेवल और हायर लेवल का कंबाइन करके बनाया है। जो लोअर लेवल लैंग्वेज कमांड होती है वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाती है, इस वजह से सी को पावरफुल लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर है इफिशियंसी। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है वो फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं, इस वजह से इसे इफिशियंट फीचर कहा जाता है। नेक्स्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोग्रामर जो है सेम टास्क को अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकता है, इस फीचर को कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। और लास्ट फीचर है रिच लाइब्रेरी। सी प्रोग्रामिंग में हमें बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि प्रिंटएफ है, स्कैनएफ है। इस बिल्ट इन फंक्शन की हमें हेडर फाइल्स मिलती है, जिसका कोड हमें खुद लिखना नहीं होता है, वो सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें हेडर फाइल लगती है, जैसे कि stdio.h, conio.h, ये जो हेडर फाइल है ये जो सी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरीज है। ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। इट इज इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है हायर लेवल और लोअर लेवल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन करके बनाई गई है, इस वजह से ये अंडरस्टैंड करने के लिए इजी एंड सिंपल है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट हैज ओनली 32 कीवर्ड्स टू रिमेम्बर। सी लैंग्वेज में ओनली 32 कीवर्ड्स है। जब हम प्रोग्राम टाइप करते हैं तो वो जनरली व्हाइट कलर में आते हैं, तो ये जो 32 कीवर्ड्स है ये प्रोग्रामर इजीली रिमेम्बर कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट इज पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी एक मशीन पर लिख के हम दूसरे मशीन पर भी इसे इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है इट इज फास्ट टू एग्जीक्यूट। सी प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसकी साइज ही बहुत छोटी है, इस वजह से वो फास्टली एग्जीक्यूट होता है। और सी प्रोग्रामिंग में हम मशीन लेवल लैंग्वेज कोड का भी यूज करते हैं, लोअर लैंग्वेज भी यूज करते हैं, इस वजह से भी ये कमांड जो है फास्टली एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट हैज एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ। सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर जो है खुद के फंक्शंस राइट कर सकता है और वो लाइब्रेरी में ऐड कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट्स कंपाइलर इज इजीली अवेलेबल। सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर जो है इजीली एंड फ्रीली हमें अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सी। देयर इज नो रन टाइम चेकिंग। सी प्रोग्रामिंग के जो एरर चेकिंग है वो कंपाइल टाइम ही होती है, रन टाइम उसमें एरर चेकिंग और डिबगिंग नहीं होती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है देयर इज नो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग। सी प्रोग्रामिंग में जो डेटा टाइप्स है जैसे कि फ्लोट डेटा टाइप है वो जनरली उसमें फ्लोटिंग वैल्यूज यानी कि डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज इंटर करनी चाहिए, लेकिन गलती से प्रोग्रामर अगर इसमें इंटीजर और होल नंबर भी इंटर कर देता है तो भी फ्लोट डेटा टाइप एक्सेप्ट कर लेता है। ये सी प्रोग्रामिंग का ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है इन लार्ज प्रोग्राम डिफिकल्ट टू फिक्स द बग। अगर हम सी प्रोग्रामिंग में बहुत लार्ज प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एरर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड नाउ डेज सी नॉट यूज टू डेवलप कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो थे सी प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेजेस थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।